नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर में कोरोना काल में बड़ी बेरोजगारी को लेकर शनिवार को शिवसेना ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन किया और सागर कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिवसेना संगठन द्वारा शहर के कालीचरण चौराहे से एक विरोध रैली निकाली गई जो नए कलेक्ट्रेट भवन तक पहुंची। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस महकमे ने शिव सैनिकों को परिसर के बाहर ही रोक लिया, जिससे नाराज शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बैठकर विरोध किया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जब ज्ञापन लेने में विलंब हुआ तो शिव सैनिक पीली कोठी के सामने बीच रोड पर बैठ गए और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री के नाम स्टेनो का ज्ञापन सौंपा। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर शिवसेना उपराज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के नेता चुनाव में लगे हुए हैं और सागर कलेक्टर घर पर आराम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के युवाओं को रोजगार और किसानों को मुआवजा मुहैया अभी तक नहीं कराया जा रहा है, जिसको लेकर शिव सैनिकों में आक्रोश है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अब हम रोजगार की मांग को लेकर कलेक्टर निवास का घेराव करेंगे। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। लोग पुलिस का विरोध करते हैं, लेकिन शिवसेना उनके बेटा बेटियां देखते हैं, उनका परिवार दिखता है। एक पुलिसकर्मी 24 घंटे नौकरी करता है, लेकिन उसका पे ग्रेड 1900 रुपये है। आज शिवसेना ने मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कलेक्ट्रेट में और मांग की है कि जो पे ग्रेड 1900 रुपये पुलिसकर्मियों का, वो बढ़ाकर 2400 रुपये किया जाए। यह है। और जो महंगाई भत्ता है, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को अधिक दिया जाता है, कलेक्टर के चपरासी को, एसडीएम साहब के चपरासी को दिया जाता है, लेकिन पुलिसकर्मियों को कम दिया जाता है। आज पुलिसकर्मियों के हित में उनका पी ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर भी शिवसेना ने आवेदन दिया है। आज शिवसेना ने किसानों के सम्मान में और छात्र बेरोजगार नौजवानों के हित में उनकी पीड़ा को लेकर आज दर्द व्यक्त करते हुए सिविल लाइन के कालीचरण चौराहे से विशाल जुलूस निकाला। वह जुलूस सिविल लाइन होते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के रूप में समाप्त हुआ, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर स्मरण दिलाया गया कि युवाओं की सोचिए, जब चुनाव होता है तो युवा दिखते हैं, किसान दिखते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने जाने के बाद न युवाओं की पीड़ा दिखती है न किसानों की पीड़ा दिखती है। अगर आपकी मांग पूर्ण नहीं होती तो आगे क्या कदम होगा? जंगी प्रदर्शन होगा, डंके की चोट का प्रदर्शन होगा, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, क्योंकि कोरोना काल में लाखों लोग जो देश भर से पलायन करके अपने घर पहुंचे थे, वह फिर पुनः उनके घर में रोटी खाने को नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, बहुत परेशान है। आज शिवसेना संगठन उनकी पीड़ा को लेकर सड़कों पर आई है और सड़कों पर आती रहेगी जब तक कि उनके अधिकारों की रक्षा न की जाए। अभी तो यह अंगड़ा ही है, आगे वो लड़ाई है। अभी तो यह अंगड़ा ही है, आगे वो लड़ाई है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जय 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 ज